देवभूमि हिमाचल के पौराणिक वैभव एवं ऐतिहासिक महत्व के परिप्रेक्ष्य में पांगना का विशिष्ट स्थान है। 1183 वर्षों 765 ईस्वी 1948 तक सुकेत की स्थायी और ग्रीष्मकालीन राजधानी रही पांगना नगरी के बखोल गांव का प्राचीन गौरवमय परहेता मेला देवो महासु बखरास की उपस्थिति में संपन्न हो गया। महासु देव समिति बखरास के प्रधान टेकचंद चमनलाल पालसरा, सादीलाल भंडारी, मणिचंद कटवाल, पुजारी दिनेश व परहेता मेला में बखरास से वारस्ता कलासन पंचायत होकर पांगना बखोल तक की लगभग 10 किलोमीटर के पैदल रथ यात्रा मार्ग में लोगों ने देवता की धूप दीप पजय भेंट के रूप में अन्न धन अर्पित कर चावल के दानों के रूप में नैवेद्य लेकर आशीर्वाद प्राप्त किया। बखोल परहेता में देव परंपरा और आधुनिकता का संगम देखने को मिला। बखोल गांव पहुंचने से पूर्व देव महासु के दिव्य रथ ने शिकारी देवी की चरण गंगा रूपी पांगना खंड के तट पर स्थित धान के क्यार खेत में नृत्य किया। मंडी सुकेत के देवी देवताओं पर शोधरत डॉक्टर हेमेंद्र बाली हीम का कहना है कि देव महासु महाशिव का पर्याय है। कटवाची बखरास काहणू सरेच में इनकी कोठी तथा शिकारी देवी के आंचल में शिवादे ओरा में भव्य मंदिर तथा जौनसार बाबर मूल स्थान है। शिवा देवरा से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि शिवा यानी शिव, देवरा यानी मंदिर से यह सिद्ध होता है कि महासु देव महाशिव का ही रूप है। परहेता कमेटी बखोल के प्रधान धनीराम, उप प्रधान गौरव चौहान, दीपराम आदि का कहना है कि इस अवसर पर गांव वासियों के स्तुत्य सहयोग से विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। व्यापार मंडल पांगना के अध्यक्ष सुमित गुप्ता, देव समाज समिति करसोग के प्रधान एनके राजपूत, संस्कृति मर्मज्ञ डॉक्टर जगदीश शर्मा और युवा प्रेरक पुनित गुप्ता, टीकम गुप्ता, परहेता कमेटी बखोल तथा देव समाज समिति का कहना है कि यहाँ की लोक संस्कृति देव संस्कृति से तदाकार होकर विलक्षणता का वर्णन किए हुए हैं। ऐसे सामुदायिक सहयोग से धर्म के तेजोन्मय स्वरूप व शक्ति से हमारी संस्कृति परंपराओं व गौरव का उद्धार संभव है।